अध्यक्ष जी, जो आज आपने बजट के ऊपर बोलने का मुझे मौका दिया। सर, 45 वर्षों से सबसे उच्चतम स्तर पर आज बेरोजगारी पहुंच गई है, जबकि 2014 में सरकार ने वादा किया था कि वो बेरोजगारी दूर करेंगे और 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया था। लेकिन सरकार ने निजीकरण करके एक तरफ एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को खत्म किया है, दूसरी तरफ इस समाज के लोगों को बेरोजगार किया है। साथ ही साथ प्रतिदिन सरकार ने किसी न किसी सरकारी उपक्रम को बेचने की कोई न कोई नई युक्ति लगाई है। अभी हाल में ही रेज बजट को समाप्त करके एकल बजट प्रणाली लागू किया गया है। इस बजट से कोई भी व्यक्ति आसानी से पता लगा सकता है कि रेल मंत्रालय का निजीकरण हो रहा है। रेल मंत्रालय का निजीकरण मतलब एसटी एसटी ओबीसी के लोगों को आरक्षण खत्म करना, आउटसोर्सिंग के द्वारा की गई भर्तियों को तत्काल बंद करके सरकार निजीकरण, महिला बोल रही है, शांत हो जाइए, सरकार निजीकरण को आरक्षण देने का काम करे, बेरोजगारी को बढ़ावा देने का काम सुनिश्चित करे। इस बजट में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि एससी एसटी ओबीसी के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक कार्य हेतु छात्रवृत्ति केंद्र सरकार द्वारा देकर इस समाज के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक दिशा में आगे बढ़ाने का मौका दिया जाता रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाली छात्रवृत्ति बंद कर दिया गया है। ये जो दिया जा रहा है, एससी एसटी छात्र छात्राओं की संख्या के समानुपात में बहुत कम है, अर्थात ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि एससी एसटी ओबीसी के छात्र छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति एवं क्षतिपूर्ति की राशि को बढ़ाते हुए छात्र छात्राओं को क्षतिपूर्ति और छात्रवृत्ति देने का प्रबंध करे। सुन तो लीजिए मैडम, सरकार को चाहिए कि दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई एससी एसटी ओबीसी की समस्त महिलाओं की सुरक्षा हेतु समुचित कारगर कदम सरकार उठाने की आवश्यकता है। इस बजट में पेट्रोल, डीजल, दाल, प्याज आदि की घरेलू वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। किसान, मजदूर, नौजवान के साथ धोखा हुआ है एवं महंगाई को चरम सीमा तक पहुंचाने के संकेत किए गए हैं। इस बजट में लालगंज लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। इस बजट में केंद्रीय भंडारण लालगंज में खोलने का कोई जिक्र नहीं हुआ है। इस बजट में हमारे लोकसभा क्षेत्र में भारी उद्योग एवं लघु उद्योग खोलने का कोई जिक्र नहीं हुआ है। इस बजट में हमारे क्षेत्र में कोई नई शुगर मिल खोलने का कोई जिक्र नहीं हुआ है। समाप्त कीजिए, कंक्लूड मैडम। सर, मैं समाप्त कर रही हूँ। इस बजट में सर हमारे क्षेत्र के विकास हेतु बहुत सी चीजों को अनदेखी की गई है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि आप हमारे लोकसभा क्षेत्र पर थोड़ा ध्यान दीजिए। थैंक यू। श्री संगम लाल गुप्ता जी। माननीय सभापति महोदय, आपने बजट पर हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए हम आपके